गुड मॉर्निंग। अभी तक हमने आपका पेपर फर्स्ट शुरू किया था, डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स, जिसमें हम शुरू किया था बायो सिस्टमैटिक्स एंड टैक्सोनॉमी। और उसमें अब तक हमने पढ़ा जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सोनॉमी, कंसेप्ट्स ऑफ फाइव किंगडम स्कीम, टैक्सोनॉमी एंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब आज हम ले रहे हैं कंसेप्ट ऑफ प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ एंड लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए, जैसे कि हम सब जानते हैं, जो एनिमल किंगडम है उसको दो स्पष्ट समूह में बांटा गया है, एक तो यूनिसेल्युलर प्रोटोजोआ और मल्टी सेल्युलर प्रोटोजोआ। सबसे पहले हम लेते हैं प्रोटोजोआ। संरचनात्मक रूप से ये मल्टी सेल्युलर एनिमल्स की जो सेल के बिल्कुल समान होता है, इसमें सभी सेल्युलर ऑर्गेनेल्स उपस्थित होते हैं। अतः जो मेम्ब्रेन के द्वारा घिरी हुई न्यूक्लियोलस होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, स्पष्ट न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुला, माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जी, क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रियोल, राइबोसोम, फ्लैजिला और स्यूडोपोडिया युक्त साइटोप्लाज्म किसी भी प्रोटोजोअन एनिमल के संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल अंगक होते हैं, यानी कि ऑर्गेनल्स होते हैं। फंक्शनल दृष्टि से जो प्रोटोजोअन्स हैं उनके प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन में क्रोमोसोम्स का द्विविभाजन बाइनरी फिशन एक महत्वपूर्ण क्रिया होती है। इनमें जो न्यूट्रिशन है वो हेटेरोट्रॉफिक प्रकार का होता है, इनमें लोकोमोशन भी होता है, और ये जो लोकोमोशन है ये सीलिया, फ्लैजिला, स्यूडोपोडिया के द्वारा हो सकता है। जो कशाब युक्त यानी कि फ्लैजिला युक्त जो प्रोटोजोआ है उनको सबसे प्रारंभिक उनको माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि अन्य प्रोटोजोआ का की उत्पत्ति भी इन्हीं के द्वारा हुई है। प्रतिकूल परिस्थितियों में जब एडवर्स सर्कमटेंसेस होते हैं उनमें प्रोटोजन जंतु अपने चारों ओर एक प्रोटेक्टिव सिस्ट बनाने की क्षमता रखते हैं, और ये क्रिया कहलाती है एनसिस्टमेंट। अब हम बात करते हैं मेटाजोआ। मेटाजोआ इस समय समूह के जो सदस्य हैं वो एक कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्युलर संरचना युक्त होते हैं, और इनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम भी सम्मिलित होते हैं। इनके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में एक या अधिक लार्वल स्टेजेस होती हैं, जो कि एडल्ट के स्वभाव और उसकी रचना में बिल्कुल भिन्न होती है। इनमें भी पोषण हेटरोट्रॉपिक प्रकार का होता है। प्राय सभी जंतु या तो फ्री लिविंग होते हैं या पैरासिटिक होते हैं, और भोजन का अंतर्ग्रहण यानी कि उसको एंगल्फ करके उसका पाचन करते हैं। अब हम चलते हैं पाचन करने के बाद जो अपचित यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको ये बाहर निकाल देते हैं, और ये जो न्यूट्रिशन की जो सामूहिक क्रिया है इसको हम कहते हैं एलिमेंटेशन। और ये मेटाजोअन जंतुओं का एक यूनिवर्सल गुण माना जाता है। ये एनिमल्स मल्टी सेलुलर होने के कारण आकार में अधिक बड़े होते हैं। भोजन खोजने के लिए गमन क्रिया का भी इनमें विकास हुआ, जो कि मल्टी सेलुलर एनिमल्स का एक सामान्य करैक्टर या नॉर्मल करैक्टर है। माना जाता है कि इसी क्रिया के नियंत्रण के लिए इनमें पेशी एवं तांत्रिक अंग यानी कि मसल्स एवं नर्वस सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम का विकास हुआ। डाइजेस्टिव सिस्टम के जो डाइजेस्टिड फूड होता है उसको विभिन्न सेल्स तक पहुँचाने के लिए और उनकी उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म के लिए संवहन तंत्र